जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी की पहल पर हिमालय गांव में जड़ी बूटी उत्पादन तथा निचले इलाकों में सगंध पौधों की खेती को लेकर आत्मा परियोजना के अंतर्गत बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से रोजमेरी तथा जड़ी बूटी की खेती करने की अपील की। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने कहा कि रोजमेरी तथा जड़ी बूटी उत्पादन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी किसानों को मदद की जा रही है। बैठक में मौजूद किसानों ने सरकार द्वारा आत्मा परियोजना के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से किसानों को काफी मदद मिलती है। सीमैप के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर प्रबल वर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने किसानों को काफी जानकारियां प्रदान की। बैठक में DFO ध्रुव सिंह मर्तोलिया, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य आदि मौजूद थे। यहाँ पे जड़ी बूटी के उसमें बैठक में आए थे, हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिला, जैसे रोजमेरी के बारे में बताया गया हमको। और मैं खुद यहाँ पे खुदी का कार्य करती हूँ, विकास खंड कपूर पंचायत उबटिया खुद CLM में, मैं CLF की अध्यक्ष भी हूँ। हमारे बोर्ड बल्लरा में पहले खुदी की शुरुआत 42 महिलाओं से शुरुआत की थी। इस टाइम पर हमारे नए पंचायत पर हो रहा है प्रेरणा CLF पे, तो 250 महिलाएँ मेरे साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसमें हमारे महिलाओं ने 27 लाख की अर्निंग करी थी, और पहले ये 56 नाली पे हो रहा था, इस बार हमारे 42 हेक्टेयर पे भूमि पे खुदकी का कार्य हो रहा है। और ये पर केजी 1600 रुपया किलो जाता है, और टोटल आय मेरी हमारी 27 लाख की हुई थी सर, महिलाओं के समूह की महिलाओं के। देखिए, जैसे कि आज हम विकास भवन में यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, समूह की महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित थी, तो यहाँ पे आज रोजमेरी और ये जड़ी बूटियों का उत्पाद के बारे में यहाँ पर एक दिवसीय जो है प्रशिक्षण यहाँ पे हम लोगों को दिया गया, और किस तरह से इसका उत्पाद किया जाता है और ये क्या चीज़ के काम आता है और कैसे इससे हम जो है अपनी आजीविका को इससे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है जानकारी दी गई, जिससे जो है हमारे जैसे हम लोग और खेतीबाड़ी जैसे सब्जी उत्पाद अगर हम लोग कर रहे हैं फलों का, तो वहाँ पे बंदरों का नुकसान या जंगली सुअरों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम इस तरह की खेती, जड़ी बूटी या इस तरह के हम लोग अगर उत्पाद अगर हम लोग करते हैं, तो इससे हम लोगों की आय जो है बहुत अच्छी यहाँ पे बन सकती है। आज हमारी जो गोष्ठी हुई है, जिसमें आपने देखा कि जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब भी सर्विस में उपस्थित थे, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर खेत छोटे हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं, और जहाँ का क्लाइमेट जो है जड़ी बूटी और सुगंध पौध के लिए बहुत ही अच्छा है, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, उसके संबंध में हमने दूरस्थ क्षेत्रों से कुछ किसानों को अपने वीडियोस के माध्यम से और अपने कृषि विभाग और बयान विभाग के माध्यम से यहाँ बुलाया था। पहले भी हमारा, आपको पता ही है कि जड़ी बूटी किसान क्लब पहले से भी बना हुआ है, पिछले 2-3 सालों में जड़ी बूटी में थोड़ा बहुत काम यहाँ पर हुआ है, जैसे कुटकी के उत्पादन में कुछ लोगों ने 50 लाख के आसपास से कुछ महिलाओं ने पैसा कमाया है साल का। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें DM सर का भी इनिशिएटिव है कि हम जो है रोजमेरी हो गया और कैमोमाइल हो गया और लेवेंडर हो गया, डेंडेलियम हो गया, गेंदा हो गया, केसर हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम बढ़ावा दें। तो इसी के लिए आज हमारे किसानों के साथ ये संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जिले के सभी अधिकारी, जो लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी वो उपस्थित थे। उद्देश्य यही है कि किसान की आजीविका को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना, और दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे किसानों को भी मुख्यधारा से जोड़कर उनकी मदद करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।